आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। किंजल बहन, अरे मणि, मुझे थेपले के साथ मिर्ची का अचार चाहिए। अभी लाई किंजल बहन। अरे मणि, तू रुक, अचार मैंने रखा है, मैं ले आती हूँ। हेलो आनिया, अरे गोपी, तू अहिया शू करे छे? वो काकी जी, मैं अहम की वजह से मॉम, आज नाश्ता बहुत अच्छा था, थैंक्स। जिगर चले? हाँ भाई, मेरा भी हो गया। ओके मॉम, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। गोपी बाओ, आइया आओ। काकी जी, मैं अभी आई। गोपी बाऊ, नागपंचमी के दिन मैंने खानदानी हार किंजल को पहनने के लिए दिया था, वो उसने तुम्हें रखने के लिए दिया था, वो कहाँ है? माँ जी, वो अलमारी में ही रखे, मैं अभी ले आई। हाँ, सॉरी भाभी, आप जरा ये साफ कर देंगी? एक मिनट गोपी बहू, किंजल, गोपी वो ये क्यों साफ करेगी? मणि। हाँ जी नानी भाभी। कान साफ कर ले। गोपी वो जाकर दागिने ले आओ, जाओ। जी माँ जी। एक मिनट गोपी बहू, શું છે?
गहने कहाँ हैं? ये डिब्बा खाली है, खानदानी जेवर कहाँ है? क्या छे दागिना? क्यों छे? वो मुझे नहीं पता माँ जी, किंजल बेन ने जब दिए तब से मैंने इसे हाथ तक नहीं लगाया। अच्छा, सच कह रहे हो गोपी बहू तुम? चल मेरे साथ, चल। पता नहीं अब क्या होगा। पूछे बिना छोड़ेंगी नहीं, लेकिन क्या जवाब दूंगी मैं माँ को? किंजल, दरवाजा खोलो। किंजल। माँ, मैं लेटी हुई हूँ और मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तुम्हारा पेट दर्द तो मैं यूं ठीक कर दूंगी। किंजल, मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। सच्ची माँ, मेरा पेट बहुत दर्द हो रहा है। तुम्हारा पेट दर्द तो मैं चुटकी में ठीक कर दूंगी। पहले ये बताओ, ये क्या है? तुमने गोपी वहू को जेवर का खाली डिब्बा दिया? जेवर कहाँ है दागीना? क्या छे किंजल? खाली डिब्बा? ये आप क्या कह रही है माँ? और मैं ऐसा क्यों करूंगी? यानी तुमने गोपी वहू को जब डिब्बा दिया तो उसमें जेवर थे? हाँ। सच कह रही हो ना? हाँ। अब आप कहिए गोपी वहू जी, दागीने कहाँ है? लापरवाह तो तू है ही, वहीं कहीं अलमारी में पड़े होंगे। चल मेरे साथ, चल। गोपी मां, चल और ढूंढ, ढूंढ इसे, ढूंढ इसे। तुमने कहा ना कि किंजल ने तुम्हें दागिना का डिब्बा दिया जो तुमने इसमें रखा, तो इसी में होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं? तो ढूंढ इसे। माँ जी, मैंने उन दागिनों को छुआ भी नहीं है। किंजल भी इनसे लेके जैसे के तैसे मैंने अलमारी में रख दिया। और माँ जी, उस समय आप भी यही खड़ी थी। अच्छा, क्या कहना चाहती हूँ कि 2400 घंटे दूरबीन लेकर मैं तुम्हें ही ताकती नहीं रहती हूँ?
लेकिन लगता है कि अब शायद ऐसे ही करना पड़ेगा। 2400 घंटे दूरबीन से तुम्हें ताकती रहूं, तुम क्या करती हो क्या नहीं करती हो पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारी भोली सूरत देखकर भगवान भी नहीं बता पाएंगे कि तुम सच बोल रही हो या सच बोलने का नाटक कर रही हो। अच्छा एक बात बताओ, किंजल ने जब तुम्हें दागीने का डिब्बा दिया तब तुमने उस डिब्बे को खोल कर देखा था या नहीं? देखा था या नहीं? जी नहीं माजी। जोयू मोटा भाभी कितनी लापरवाह है। अरे कमक्कल, अक्कल नहीं है तुम्हें? कोई तुम्हें कुछ भी थमा देगा सामान कि इसमें कीमती चीज है इसे संभाल के रख लो, और तुम बिना ये तसल्ली किए कि उसमें वो कीमती सामान है या नहीं तुम अंदर रख दोगी। और वैसे भी लेने वाले के साथ साथ देने वाले की भी गलती हो सकती है। किंजल साचू साचू कहजे, जब तुमने गोपी वहू को जेवर का डिब्बा दिया तब तुमने खोल कर देखा था कि उसमें हार है या नहीं? जवाब दो। हे भगवान, मारी तो काई समझ में ना थी आओ, तू पागल कर दोगे तुम मुझे। गोपी वहू, अगर किंजल ने तुम्हें वो डिब्बा दिया जो तुमने अलमारी में रखा है तो अलमारी में ही होना चाहिए। ढूंढ उसे, इधर ही होना चाहिए, ढूंढ। माजी मैंने यही रखा था। मैं कुछ नहीं जानती हूं बस। मैं 10 तक गिनती करूंगी, 10 तक, और उसी बीच मुझे वो हार मिल जाना चाहिए, समझी तुम? एक, दो। तीन। कोकिला तू शू करी रही छे? मोटा भाभी चार। गोपी तुम ध्यान से ढूंढना, देख घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तूने हार जहां रखा होगा वहीं तुझे मिलेगा, ठीक से ढूंढ। पांच। जी मणि, जय श्री कृष्ण, कहिए। वाह गोपी वहू वाह, बड़े विश्वास के साथ तुमने कहा था ना कि किंजल ने तुम्हें जेवर का डिब्बा दिया जो तुमने अलमारी में रखा। डिब्बा तो मिल गया, हार कहां है? वो सेट कहां है? कहां है वो
सेट कहां रख दिया है? ढूंढ उसे। कोकिल हमारी बात मोटा भाभी नो जो हार तुम ढूंढ रही हो वो यहां है। आपके पास कैसे आया ये हार? अभी जवेरी की दुकान से हरिओम भाई ने ये हार भेजा है। हरिओम भाई हमारे पुराने जवेरी है। ये हार उनके पास पहुंचा कैसे? कैसे पहुंचा? उन्होंने बताया कि हार उन्हें किंजल दे गई थी पॉलिशिंग के लिए। किंजल ये हार तुमने पहुंचाया था वहां? बोल। अरे हाँ मैं खुद ही तो देख रही थी उसे। न जाने मेरे दिमाग से कैसे निकल गया। दिमाग से निकल गया? कैसे निकल गया? ये खानदानी हार है, 5 पीढ़ियों वाला मेरा हार है ये। और मैं इसे डांटती रही। एक बात तो बता, इस घर में मूर्खतापूर्ण गलतियां करने वाली एक सदस्य कम थी कि दूसरी मैदान में कूद पड़ी? किंजल तुम अच्छी तरह से जानती हो थोड़े दिनों में तुम सासरे जाने वाली हो, और अगर ऐसी ही गलतियां करती रही ना तुम वहां भी, तो पीहर का नाम रखा जाएगा। और वैसे भी अगर तुम एक जिम्मेदार बहू नहीं बनी ना, तो यही कहा जाता है कि लड़की की परवरिश में दोष है। के मोटा भाभी साचो कहू छू ने, सब लोग कान खोलकर बात सुन लो। मोटा भाभी आप तो जानती है ना मैं बहू और बेटी में कोई फर्क नहीं करती हूं। समझी गई? हेलो। हाँ हरिओम भाई बोलिस हूँ। जी मैं किंजल मोदी। हाँ जी हाँ जी हाँ मैन बोलिए। मैंने अब तक आपके पैसे नहीं लौटाए, पर वो जो हार रखकर मैंने आपसे। अरे बहन वो सब हो गया।
हो गया, लेकिन कैसे? मतलब किसने पे किया? थैंक्स। Thank you.